कि राजा भोज एक बार सभा भर के बैठे थे, तो सभा में एक व्यापारी राजा भोज की सभा में आया, राजा भोज को प्रणाम किया। जैसा प्रणाम किया तो राजा भोज के मन में व्यापारी के प्रति नकारात्मक सोच आई और राजा भोज को ऐसा मन में महसूस हुआ कि ये व्यापारी का पूरा धन छीन लूं। ऐसा खराब विचार के बारे में अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मेरे मन में ऐसा भाव क्यों प्रकट हुआ। मंत्री ने बोला, मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। राजा ने बोला, ठीक है। मंत्री बहुत होशियार था। मंत्री ने व्यापारी का पता लगाया और पहुंचा उनके गांव। व्यापारी से थोड़ा दोस्ती किया और एकदम जब व्यापारी को मंत्री के विश्वास में बैठ गया, तब मंत्री व्यापारी को पूछता है कि आपके पास मिलकत तो बहुत है, लेकिन आप उदास क्यों है, दुखी क्यों है। तब व्यापारी ने अपनी बात बताई और बोला कि मैं चंदन की लकड़ी का व्यापारी हूं, लेकिन इस साल चंदन की लकड़ी बिकी नहीं, मेरे को बहुत नुकसान होने वाला है। तब मंत्री ने पूछा, अब कोई रास्ता नहीं है चंदन बेचने का। तो व्यापारी ने कहा कि जो राजा भोज मर जावे तो पूरी चंदन की लकड़ी उनकी अग्नि संस्कार में बिक सकती है। तो मंत्री को राजा का प्रश्न का जवाब मिल गया। तब मंत्री ने कहा कि तुम एक एक काम करो, रोज एक मण चंदन की लकड़ी राजा भोज के भोजन पकाने के लिए रोज भेज दो और मैं राजा भोज से बात करूंगा। व्यापारी खुश हो गया, एक मण लकड़ी लेके धारा नगरी जाता है और उसका पैसा तुरंत मिल जाता है। तो व्यापारी के मन में राजा भोज प्रति उनकी लंबी उम्र के बारे में कामना करने लगा। ऐसा बहुत टाइम जाने के बाद में वापिस व्यापारी राजा भोज की सभा में आता है। व्यापारी को देख के राजा भोज के मन में लगा कि इतना आकर्षित सज्जन लगता है, पुरस्कार देने लायक योग्य है। ऐसा अच्छा भाव इनके मन में, राजा भोज के मन में आया व्यापारी के प्रति। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि मंत्री जी, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार देखा तो मेरे मन में इसका प्रति सर्वस्व छीन लेने का विचार आया था और अभी कुछ देने का भाव आया है। तो मंत्री ने कहा, महाराजा, दोनों ही प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहले ये जब आया तो चंदन की लकड़ी बेचने के चक्कर में आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, और अब आज जब आया है तो आपको जिंदा रहने की और लंबी उम्र के बारे में सोच रहा है। ऐसा कहने का तात्पर्य यही है कि जैसी अपनी भावना होती है वैसा ही सामने व्यक्ति के मन में विचार का प्रतिबिंब पड़ता है। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही व्यक्ति हमें मिलेंगे। जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमेशा औरों के प्रति सकारात्मक भाव रखो। यादसी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। ऐसा सकारात्मक भाव रखने से सामने से अच्छे लोग ही अपने को मिलते हैं। जैसी अपनी सोच ऐसे अच्छे लोग ही मिलते हैं। जय पीर पिथौरा डाडा, जय सच्चिया माता जी।